स्पोकन इंग्लिश यू सेकंड, चाहूंगा चाहेगा अच्छा लगेगा। वेलकम टू अंग्रेजी मास्टर जी वाराणसी। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच न्यू वीडियोस ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 9:30 PM। प्रेस द बेल आइकॉन एंड गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं तुम्हारे साथ बाजार जाना चाहूंगा। उसे यहां रुकना अच्छा लगेगा। वह तुमसे बात करना चाहेगा। मैं यह जॉब नहीं करना चाहूंगा। उसे इस बारे में बात करना अच्छा लगेगा। आप कई बार इस तरह के वाक्य आप हिंदी में बोलते होंगे। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से बोलना शुरू कर देंगे, बहुत ही आसानी से, क्योंकि इसमें बताए गए स्ट्रक्चर और एग्जांपल से आपके सारे प्रॉब्लम इस तरह के वाक्य को बोलने की खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्ट्रक्चर को आप बहुत ही ध्यान से आप समझिए। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट। जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट आप यूज करेंगे। उसके बाद लाइक प्लस टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग आप करेंगे। यदि यही वाक्य आपका इंट्रोगेटिव हो जाए, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यदि यस नो टाइप क्वेश्चन है तो ऊट को आप सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, ऊट को सब्जेक्ट के पहले। यदि डब्ल्यू एच वर्ड टाइप्स क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट के पहले ऊट और ऊट के पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड, मतलब व्हाट वेयर व्हाई हाउ का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल और एग्जाम्पल सीखते हैं वाक्य सेंटेंस बनता कैसे है। तो एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर। मैं तुम्हारे साथ बाजार जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट विद यू। उसे यहां रुकना अच्छा लगेगा। ही वुड लाइक टू स्टे हियर। ही वुड लाइक टू स्टे हियर। उसे यहां रुकना अच्छा लगेगा। वह तुमसे बात करना चाहेगा। He would like to talk to you. He would like to talk to you. वह तुमसे बात करना चाहेगा। मैं यह जॉब नहीं करना चाहूंगा। यह वाक्य आपका नकारात्मक है, इसलिए नॉट का प्रयोग किया जाएगा। I would not like to do this job. I would not like to do this job. Negative है, इसलिए not का प्रयोग किया गया है। उसे इस बारे में बात करना अच्छा लगेगा। He would like to talk about it. He would like to talk about it. उसे इस बारे में बात करना अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस, क्या तुम यहां रुकना चाहोगे? यह आपका यस नो टाइप, इसलिए वुड पहले है सब्जेक्ट से पहले। वुड यू लाइक टू स्टे हियर। क्या उसे घर जाना अच्छा नहीं लगेगा? वुड ही नॉट लाइक टू गो होम। यह आपका यस नो टाइप क्वेश्चन है, इसलिए वुड सब्जेक्ट से पहले लगाया गया है। Would he not like to go home? यदि वाक्य आपका डब्ल्यू एच वर्ड टाइप्स होगा तो उठ के पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगेगा। जैसे चाहे जो हो जाए मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। डब्ल्यू एच वर्ड whatever may happen I will tell nothing to him. Would you like to stay whatever may happen I will tell nothing. Why? I will tell Why nothing to him. Like whatever may happen I will tell nothing here. to him. तुम यहाँ
चाहे जो हो जाए मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा. बहुत आसान है. व्हाटएवर मे हैपन आई विल टेल नथिंग टू हिम. स्टे हियर.